26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तीन जजेस का फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को खत। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जजेस कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का कहा। दोनों सीनियर जजेस के खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई काज रिस जारी नहीं हुई। खत में मजीद कहा गया है कि दो जजेस ने इजलास में फैसला किया है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी और दो रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हदायत भी कर दी। कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब, डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की जेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में नुकता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए पीटीआई रहनुमा ओपोजिशन लीडर ने कहा कि कल डंडा चला हुआ था तो ये ऐवान भरा हुआ था और आज डंडा हटा है तो ये ऐवान खाली पड़ा है। सर्विसज चीफ्स की मुदत मुलाजमत बढ़ाने से कितने ही अफसर का कैरियर ख़त्म हो गया है। उमर अयूब ने कहा कि नौ मई लगाई हुई है, ये कल तलबा को ले जाकर जना हाउस को दिखाते रहे। हम भी खैबर पख्तूनख्वा के तलबा व तालबात को केपी हाउस में वफाकी फोर्सेज की गई तोड़फोड़ दिखाएंगे। हम अपने नौजवानों को दिखाएंगे कि एक सूबे पर किस तरह हमला किया गया। ओपोजिशन लीडर ने कहा कि क्या हमारी फोर्सेज हलाकू खान की फोर्सेज बन चुकी हैं? आज आवाम को महंगाई की पड़ी है, लेकिन इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर करवाने की पड़ी है। यह हुकूमत नहीं, रजीम और माफिया है, इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। ओपोजिशन के शोर में डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल हो गई। कायम मकाम सदर के दस्तखत के साथ ही तमाम बिल्स कानून बन गए। जराए के मुताबिक कायम मकाम सदर मुमलिकत में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजिस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर दस्तखत किए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजिस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर कर लिए। आर्मी नियोला और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल हो गई है। 9 मई जलाओ घेराव मुकदमात में इमरान खान के वकील को दलाइल के लिए आखिरी मौका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानतों की दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। जमानत की दरखास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने की। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार के वकील कहाँ हैं, दलाइल दें, जिस पर जूनियर वकील ने जवाब दिया कि सीनियर वकील इस्लामाबाद में हैं। बाद में अदालत ने दलाइल के लिए वकील को आखिरी मोहलत देते हुए समाअत जुमा 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाक़ात में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर इन्होंने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं।